फरीदाबाद में खाद न मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी खाद और यूरिया न मिलने पर किसानों का यहां हंगामा देखने को मिला, तो किसान घंटों लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर हो चले। किसानों का आरोप है, खाद सेंटर पर बैठे लोगों ने पहले सभी के नामों की पर्ची बनाई, फिर उन पर्चियों को हटा दिया गया, जिसे लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। लाइन तो काफी लंबी है, 6-6 बजे आके बैठे तब भी खाद न मिले हैं। परेशानी बहुत ज्यादा है, टाइम पे बिजाई नहीं होती। फिर दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, हर एक कट्टे के साथ में केमिकल दे रहे हैं। केमिकल वो भी तो जहर ही है जो जमीन में हम डालते हैं, सभी लोग खाते हैं, उनको बीमारियां लगती हैं। किसान की मजबूरी है उसको डालने की। एक 1300 रुपए का कट्टा है तो उसके साथ में 400 रुपए की दवाई बांध देते हैं। किसानों को डीएपी और यूरिया पूरा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को खेती करने में भी परेशानी आ रही है। बता दें कि प्रदेश में किसानों को हर साल खाद की समस्या से जूझना पड़ता है। अब देखना होगा कि किसानों को कब खाद की समस्या से राहत मिलती है। फरीदाबाद से दीपक गौतम, सूर्या समाचार।